ये बरकत अल्लाह ताला घर में भी देती हैं, कारोबार में भी देती हैं, औलाद में भी देती हैं। औलाद में बरकत का क्या मतलब कि औलाद आंखों की ठंडक बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक बनती है, मेहनती बनती है, बंदे का दिल खुश होता है औलाद को देख के। कारोबार का क्या मतलब, ये नहीं कि वो करोड़पति बन जाता है, मतलब ये होता है कि जितना काम करता है उसकी जरूरियात पूरी होती हैं, उसने किसी का देना नहीं होता, परेशानी नहीं होती, ये कारोबार की बरकत है। अच्छा, आगे चूंकि फायदे तो बहुत हैं और आज वक्त भी काफी हो चुका, लिहाजा अब आगे कुछ फायदे वैसे ही गिन देते हैं। अब उनकी मिसालें तो आप कुछ पहले से जानते होंगे, कुछ उलमा से पूछ लेंगे। तीसरा ये कि इस नेकी के अमल की वजह से अल्लाह ताला उसकी परेशानियों का इजाला फरमा देते हैं। चुनांचे आप देखेंगे ना अल्लाह वालों को, तो उनके अंदर बेचैनी नहीं होगी, कोई परेशानी आएगी भी ना तो उनको बेचैन नहीं करेगी। अल्लाह ताला काम संवार दिया करते हैं, कोई भी मुसीबत में फंसे अल्लाह ताला उसमें से रास्ता निकाल देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं, ऐसी तरफ से रिज्क देते हैं जिसका उसको गुमान भी नहीं होता, ऐसी तरफ से रिज्क दे देते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाक्या लिखा है कि चंद भाई थे, उनके वालदैन बूढ़े हो गए, उनमें से एक तो बड़ा शौक से खिदमत करता, बाकी बस खिदमत करते जैसे बोझ दूर कर रहे हो। तो छोटे ने उनसे कहा कि भाई मेरे साथ एक डील कर लो। उन्होंने कहा क्या? उसने कहा कि भाई वालिद की खिदमत अकेले मुझे करने दो और जायदाद जितनी है ना मुझे बेशक ना देना, आप सब आपस में तकसीम कर लेना। वो बड़े खुश हो गए, चुनाची उसने डील कर ली, वालदेन की खिदमत करता रहा। वालदेन आखिर दुनिया से चले गए, अब उसको रिज़्क की काफी परेशानी रहती थी। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है फलां पत्थर के नीचे 3 दिनार हैं, आप जाओ तो उनको 30 दिनार हैं, जाओ ले लो। उसने पूछा उनमें बरकत है, क्योंकि उसकी मां हमेशा उसको दुआ देती थी अल्लाह इसको बरकत वाला रिज्क अता फरमा, तो उसको बात याद रह गई थी कि मेरी अम्मी मुझे दुआ देती थी। उसने कहा बरकत है? उसने कहा बरकत नहीं है। कहते मैं नहीं लेता। आंख खुल गई, सुबह उठे तो उसने ख्वाब बीवी को सुनाया। अब बीवियां तो माशाल्लाह अल्लाह की बंदियां होती हैं। उसने कहा बेशक तुम ना लेना, जाके देखो पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। उसने कहा जब मैंने लेने नहीं तो मैंने जाना भी नहीं। खैर, अगली दफा उसने फिर ख्वाब देखा, किसी ने कहा भाई अगर तुम जाओ तो तुम्हें 20 दिनार रह गए वहां, वो तुम्हें मिल जाएंगे। उसने कहा बरकत है? उन्होंने कहा बरकत नहीं, कहते नहीं मिलेगा। अगले दिन बीवी को कहा, तो बीवी ने कहा देखो मैंने कहती थी कि कल ही ले लेते, चलो आज ही जाके ले आओ, 30 ना सही तो 20 सही। उन्होंने कहा मैं नहीं जाता, बरकत नहीं। चुनाती अगले दिन 10 हो गए, हत्ता के उससे अगले दिन उसको ख्वाब आया कि भाई उसके पीछे 1 दिनार है, अगर चाहो तो ले लो। उसने कहा बरकत है या नहीं? उसने कहा हाँ उस दिनार में बरकत है। ये उठा, इसने बीवी को बताया कि मैं जा रहा हूं लेने के लिए,
बीवी ने कहा 40 या 30 छोड़ दिए, एक लेने जा रहा है, ये भी कोई अकलमंदी है वाला। खैर वो गया और उसने 1 दिनार ले लिया। अब जब रास्ते में ला रहा था तो उसको ख्याल आया कि बीवी तो गुस्से हो रही थी कि तुमने नुकसान कर लिया और ये है और वो है, चलो भाई मछली ले चलते हैं, तो बीवी को आज देंगे, वो पकाएगी तो खुश हो जाएगी। उसने रास्ते से मछली खरीदी। हजरत लिखते हैं कि जब वो मछली लेके घर आया तो कुछ बचे हुए पैसे भी दे दिए बीवी को और मछली भी दे दी कि भाई पकाओ और खाओ आज। उसकी बीवी ने जब मछली को काटा तो उसके अंदर एक कीमती हीरा मौजूद था। जब उस हीरे को ले जाकर उसने बाजार में बेचा, उसकी पूरी जिंदगी के खर्चे के पैसे उसको वहां से मिले। हजरत फरमाते हैं इसको बरकत कहते हैं, मतलई समेत देते हैं हमेशा के लिए अल्लाह ताला, रोज रोज की चख चख से जान छुड़ा देते। एक इस नेक आमाल का फायदा यह होता है कि अल्लाह ताला बंदे की मुरादें पूरी कर देते हैं। दिल में अगर कोई उसके नेक तमन्ना होती है, अल्लाह ताला हालात बना देते हैं, वो बात पूरी हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्ला यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो तकवा करता है अल्लाह ताला उसके कामों में आसानियां कर देता है। तो जब रब आसानियां करें तो फिर काम कहां मुश्किल रहे।